हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आबिद एके एंड वेलकम टू टेक्सोर। ओके, तो यहाँ पे अगर आपका कॉल लॉग्स शो नहीं हो रहा है, यहाँ पर बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आती है, उनके कॉल लॉग्स उन्हें शो नहीं होते हैं, तो वो हम कैसे सही कर सकते हैं, क्या होती है प्रॉब्लम, इस बारे में मैं आपको बताऊँगा। वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए और यहाँ पर मेरे एक एक स्टेप को बिल्कुल ध्यान से फॉलो कीजिए। तो यहाँ से हम पहले बैक आ जाते हैं और यहाँ पर हमें अपने फ़ोन की सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। तो यहाँ से हम अपने फ़ोन की सेटिंग्स को ओपन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको मेक श्योर कर लेना है, सबसे पहले यहाँ पर अबाउट फ़ोन में जाकर सिस्टम अपडेट में यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है यहाँ से, और यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है आपका सिस्टम अप टू डेट है या फिर नहीं। यहाँ पर आपका सिस्टम अप टू डेट होना चाहिए, नहीं है तो आप यहाँ से अपडेट कर लीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इशू ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ही होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप बैक आ जाइए। इसके बाद यहाँ पर आपको एप्लीकेशन मैनेजर में आपको जाना होगा। यहाँ पर आप एप्लीकेशन में जाकर मैनेज ऐप्स यहाँ पर आपको मिल जाता है, इसको यहाँ से कर लेते हैं हम ओपन। उसके बाद हमें यहाँ पर अपने कॉल्स की एप्लीकेशन को ढूंढ लेना है। यहाँ से हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हमें कॉल्स की एप्लीकेशन हमें अपनी ढूंढ लेना है। ये रही हमारी फ़ोन की एप्लीकेशन, इसको यहाँ से हमें क्लिक करके ओपन कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले फोर स्टॉप पर क्लिक कर लेना है यहाँ से, और उसके बाद यहाँ पर आपको स्टोरेज आपको दिख जाएगा, तो आपको स्टोरेज में चले जाना है और यहाँ से क्लियर डेटा कर देना है। यहाँ से आपका कोई डेटा डिलीट नहीं होगा, आप यहाँ से क्लियर डेटा कर दीजिए। उसके बाद परमिशंस में आ जाइए। यहाँ पर आपकी इतनी सारी परमिशंस ऑन है सारी की सारी, तो आप एक बार यहाँ पर, अगर आपको किसी किसी फ़ोन में ऑफ़ का ऑप्शन नहीं आता है, अगर ऑफ़ कर पा रहे हैं तो आप इसे ऑफ़ करके वापस से ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप इस बातों का ध्यान रखें और इस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ से आपको बैक आ जाना है। अब आपको करना क्या है, अपने पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करना है, और उसके बाद आपका फ़ोन जब यहाँ पर रिबूट होगा, रिबूट आपको कर लेना है अपने फ़ोन को, वापस से जब ऑन होगा तो यहाँ पर आपको देखना है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या फिर नहीं। अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है तो आप मुझे नीचे कॉमेंट में बताइए, मैं आपको उसका सोल्यूशन बताऊँगा। वीडियो पसंद आई हो तो टेक्सोर को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।